हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब चैप्टर थर्ड द मिडनाइट नाइट आधी रात में जो यात्री आता है क्लास टेंथ और दिस इज़ फ्रॉम योर बुक फुटप्रिंट्स विदाउट विद आउटफिट so let us start the introduction of the chapter after that uh, uh, about the author then we will discuss the summary so let us start our chapter without wasting over time first is the introduction of the lesson osibel a secret agent osibel haju to isme dekhna दो पर्सन है एक है ऑसिबल एक है मैक्स ऑसिबल है एक सीक्रेट एजेंट है इज एक्सेप्टिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट उसको उम्मीद है कि अभी भी उसके पास कोई इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है एंड अदर सीक्रेट एजेंट जो दूसरा सीक्रेट एजेंट है वो कौन है मैक्स है चेटन हिम चेटन क्या होता है धमकी देना उसको धमकी देता है विद द पिस्टल पिस्टल हाथ में लेके डिमांडिंग द रिपोर्ट उससे रिपोर्ट की डिमांड करता है डज ऑसिबल आउटविट हिम आउटविट हम बोलते हैं जैसे चतुराई के साथ उसको मात दे देता है ये हमारी इसमें स्टोरी है द स्टोरी इज अबाउट द सीक्रेट एजेंट ये स्टोरी एक सीक्रेट एजेंट के बारे में है पॉसिबल इवनिंग विद द राइटर जो पॉसिबल है एक अपनी इवनिंग स्पेंड करता है राइटर के साथ जिसका नेम है फॉलर फॉलर हु हैड एक्सपेक्टेड दैट ही वुड बी मीटिंग द सीक्रेट एजेंट जो उम्मीद कर रहा है कि वो एक सीक्रेट एजेंट से मिलने वाला है ही वुड बी लुकिंग इन टू लॉट ऑफ एडवेंचर वो बहुत सारे एडवेंचर adventure को एडवेंचर्स करने की कोशिश कर रहा है देख उनको एडवेंचर्स कहते हैं डेयरिंग एक्ट वट इन ही रेदर गेट्स बोर्ड ना तो वो बोर होता है वेन ही मेट्स ऑसिबल जब वो ऑसिबल को मिलता है एज द थिंग्स दैट हैपन्ड व एग्जैक्टली ओपोजिट ऑफ वट ही हैड इमेज क्योंकि जो उसने इमेजन किया था सारी थिंग्स क्या हैं उसके ऑपोजिट हो जाती हैं हाउ ऑसिबल गेट रीड ऑफ अनएक्सपेक्टेड गेस्ट अब ये जो ऑसिबल है जो उसको गेस्ट के ना आने की उम्मीद थी वो उसे कैसे छुटकारा पाता है प्रूफ सीज एक्सपी एक्सपर्टाइज एज अ सीक्रेट एजेंस वो प्रूव करता है एक सीक्रेट एजेंस के तौर पर वो कितना एक्सपर्ट uh, है रॉबर्ट जे ऑर्थर दिस इज अ स्टोरी राइटर ऑफ द स्टोरी नवम्बर ये इसका बर्थ है और ये इसका डेथ ईयर है राइट वाज अ राइटर ऑफ सॉरी वाज अ राइटर ऑफ स्पेक्टिव फिक्शन नोन एज अ वर्क विद द मिस्ट्रीज जो बहुत रहस्यमय स्टोरीज होती है ना उनका ये राइटर है ट्रेवलर रेडियो सीरीज़ ट्रेवलर है जो रेडियो सीरीज़ में आता है फॉर राइटिंग राइट करने के लिए एट थ्री इन्वेस्टिगेटर्स तीन इन्वेस्टिगेटर्स हैं सीरीज़ ऑफ़ यंग यंगल्ट नॉवल इस सीरीज़ ऑफ़ यंग अडल्ट नावल के ऑथर वाज़ ऑनर्ड ट्वाइस बाय द मिस्ट्री राइटर ऑफ़ अमेरिका ऑथर को ऑनर किया गया है अमेरिका के मिस्ट्री राइटर के द्वारा द uh, विद द एडगर अवार्ड एडगर अवार्ड उसको मिला है फॉर बेस्ट रेडियो ड्रामा बेस्ट रेडियो ड्रामा के लिए ही ऑल्सो रोट स्क्रिप्ट फॉर टेलीविज़न सच एज ट्री लाइट जोन उसने स्क्रिप्ट भी राइट किए हैं टेलीविज़न के लिए जैसे ट्री लाइट जोन है एल्फर्ड हिथ का टीवी शो है एल्फर्ड हिथ प्रेजेंट चाहिए उसने शो राइट किए हैं सो लेटस स्टार्ट द समरी ऑफ द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम दिस इज द स्टोरी इज अबाउट द वि टी सीक्रेट वि टी क्या होता है जिसका मतलब क्या होता है मखौलिया जो बहुत ज़्यादा मजाक करने वाला होता है ये विक्रेट एजेंट है जिसका नेम क्या है ऑसिबल ही वॉज विद द राइटर नेम्ड फॉलोअर थ्रो आउट द इवनिंग एज फॉलर वाज इंटरेस्टिड इन स्पेंडिंग टाइम विद द सीक्रेट एजेंट ये एक फॉलर नाम का पर्सन आता है क्योंकि वो अपना टाइम सीकरट एजेंट के साथ स्पेंड करने में इंटरेस्टिड है बट वैन ही स्पेंड टाइम विद ऑसिबल जैसे ही ऑसिबल के टाइम साथ स्पेंड टाइम करता है ही रईज दैट ही इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ फिर उसको ये रिलाइज होता है कि एग्जैक्टली ओपोजिट है ही हैड इमेजेंड कि जैसे मैंने इमेजिन किया था ये तो उससे भी बिल्कुल ही ओपोजिट है दैट ही वॉज़ अ बोर फिर वो बोर हो जाता है ऑसिबल देन टोल्ड फॉलर दैट ही हैड थिंकिंग रॉन्ग फिर ऑसिबल उसको फॉलर को बोलते हैं कि तू गलत सोच रहा है दैट सून ही वुड बी टेकिंग एट द एयरपोर्ट फिर वो उसको एयरपोर्ट पे ले जाता है दैट वुड चेंज द कंट्री फ्यूचर जिसकी वजह से कंट्री का फ्यूचर क्या हो जाता चेंज हो जाता है दैन ऑसिबल टेक फॉलर टू हीज रूम ऑसिबल है उसको अपने रूम में ले जाता है एंड वैन दे एंटर द रूम अ गाई विद द गन नेम्ब मैक्स वाज स्टेंडिंग इन द रूम जब वो रूम में एंटर करते हैं ना उस टाइम पे एक गाय खड़ा होता है वहाँ पे जो uh, मैक्स है उसका नेम रूम के अंदर खड़ा होता है ही आस्ट दैम टू बी कम्फर्टेबल अंटिल द रिपोर्ट अबाउट द मिसाइल्स अराइव्ड वो उसको बोलते हैं कम्फर्टेबल है जब तक मिसाइल की रिपोर्ट नहीं आ जाती इन थर्टी मिनट्स थर्टी मिनट्स में एज ही वॉज देयर टू स्टील द रिपोर्ट अब जो गाय आया, आया है ना वहाँ पर वो क्यों आया है वहाँ पर रिपोर्ट्स को चोरी करने के लिए आया है दिस वॉज द फर्स्ट एडवेंचर एडवेंचर आउट ऑफ मैनी दैट फॉलोर हैड एक्सपेक्टेड ये मतलब पहली एडवेंचर थी जो उसने फॉलोर ने एक्सपेक्ट की थी एंड ही हैड थाट ऑफ मीटिंग सीक्रेट एजेंस और जो सोच रहा था सीक्रेट एजेंसी मीटिंग करने के बारे में वाइल दे वेक टॉकिंग ऑसिबल स्टार्टिड विद द स्टोरी जब वो बात कर रहे होते हैं ऑसिबल एक स्टोरी स्टार, सुनानी स्टार्ट करता है अबाउट अ गाय हुड एंटर्ड फ्राम द बालकोनी जो बालकोनी से एंटर किया था लास्ट नाइट को पिछली रात बिलो हीज रूम जो बालको उसके रूम के बिलो है नीचे है वाइल्ड दिस टॉक वाज गोइंग ऑन जैसे ये टॉक चल रही होती है अ सडन नॉक वॉज हियर्ड एट द डोर अचानक से दरवाजे पे नॉक की आवाज आती है कोई दरवाजा खटखटाता है पॉसिबल सेट इट मस्ट बी अ पुलिस एज दी वॉन्टेड दैम टू चेक ऑन हिम आफ्टर सम टाइम कहते वो पक्का यहाँ पे पुलिस होगी क्योंकि मैंने पुलिस को बोला था मेरे को कुछ टाइम के बाद चेक कर लेना बिकॉज ही वॉन्टेड टू मेक द रिपोर्ट दे आर कमिंग इन एक्स्ट्रा सिक्योर क्योंकि वो चाहते थे जो यहाँ पे रिपोर्ट आने वाली है वो रिपोर्ट एक्स्ट्रा सिक्योर आए मतलब सिक्योरिटी के साथ आए मैक्स पॉइंटिंग हीज गन टू वर्ड्स दैम मैक्स है जो अपनी गन उसकी तरफ पॉइंट करता है सेट देट ही वुड बी इन और बोलता है कि मैं बालकोनी में तेरी वेट करता हूं एंड दैट ऑसिबल शुड सेंड अवे द पुलिस अदरवाइज और उसको बोलता है बालकोनी है मेरी वेट कर मैं पुलिस को यहां से भेज देता हूँ अदरवाइज ही वुड शूट दैम अदरवाइज वो उसको मार देंगे एंड इवन टेक अ रिस्क ऑफ बीइंग कॉच बाय पुलिस और उसको ये डर है कि पुलिस उसको पकड़ लेगी एज अ डोर नो बी स्टर्न जैसे कि डोर का दरवाजा खुला जाता है मैक्स जम्प्ट आउट ऑफ द विंडो मैक्स है जो विंडो से बाहर जंप कर जाता है एंड अलाउड स्क्रीम इज़ हीय बहुत ऊँचे से स्क्रीम क्या होती है चिल्लाने की आवाज़ आती है द डोर ओपन एंड अ वेटर कम्स इन डोर खुलता है और एक वेटर अंदर आता है सेज दैट ही हैज़ ब्रॉट द वाइन और वो बोलता है मैं तेरे लिए बाइन ले के आया हूँ मिस दैट मिस ऑसिबल हैड ऑर्डर जो मिस ओसिबल ने ऑर्डर की थी ही कीप्स द बोटल वो बोटल रखता है ट्रे रखता है एंड ग्लासिज ऑन द टेबल और लीव्स ग्लास बोटल और ट्रे रख के ना टेबल पे चला जाता है फॉलोअर इज सरप्राइज अब जो फॉलोअर है पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है चौंक जाता है एंड आस्क हिम अबाउट द पुलिस टू वी चॉसिबल रिप्लाइड और बोलता है कि पुलिस कहाँ है जो तूने रिप्लाई किया था दैट देयर वॉज नो पुलिस यहाँ पे तो कोई पुलिस नहीं है देन फॉलोअर आज टू फॉलोअर बोलता है पूछता है व्हाट अबाउट द पर्सन हु वाज वेटिंग इन द बालकोनी वो पर्सन का क्या होगा जो बालकोनी है वेट कर रहा है आउटसाइड द विंडो विंडो के बाहर टू तो वीच ऑसिबल रिप्लाई जिस पे ऑसिबल रिप्लाई करता है दैट पर्सन वुड नॉट रिटर्न वो पर्सन कभी भी वापस नहीं आएगा एंड दैट देर वॉज नो बालकोनी देयर यहाँ पे कोई बालकोनी है ही नहीं दिस सोज द क्विक विट ऑफ द ऑसिबल ये शो करती है कि विट ये जो हमारा ऑसिबल है वो कितनी चतुराई से विट क्या था मैंने आपको बताया था चतुराई से जीत जा कितनी चतुराई से जीत जाता है ऑफ द ऑसिबल एस ही टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन जैसे ही वो मौके का फायदा उठा लेता है एंड मैक्स मैक्स नर्वस ड्यू टू विच ही ड जंप्ड आउट ऑफ द विंडो विदाउट थिंकिंग एंड लुकिंग डाउन और मैक्स से जो अपनी नर्वस इतना नर्वस हो जाता है कि वो विंडो से जंप कर जाता है ना तो वो ये देखता है ना वो कुछ सोचता है ना ही वो नीचे देखता है ही हैड जम्पड फ्रॉम द टॉप फ्लोर वो टॉप फ्लोर से जंप करता है होटल की एंड वुड हैव पॉसिबली डाइल्ड और पक्का उम्मीद है कि वो मर गया होगा दिस इज़ हाउ ऑसिबल आउटविटेड मैक्स यही तरीका है कि ऑसिबल है बड़ी चतुराई से मैक्स से जीत जाता है एंड सेव्ड अपने आप को बचा लेता है फ्रॉम अ वेरी डेंजरस सिचुएशन बड़ी ही खतरनाक हालात से सो so, आपको थोड़ा हिंदी में बता दूं कि ये मिड नाइट विजिटर क्या है जो आधी रात को विजिट करता है ऑसेबल क्या है एक सीक्रेट एजेंट है और मैक्स क्या है वो भी एक एजेंट है जो ऑसेबल के पास एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है मैक्स चाहता है कि वो रिपोर्ट उसको मिल जाए तो वो क्या करता है उसकी उसके ऊपर गन रख लेता है लेकिन उससे पहले ही ऑसिबल उसको अपनी टॉकिंग में बताता है कि एक पर्सन लास्ट नाइट को विजिट किया था रिपोर्ट को चोरी करने के लिए और यहाँ से विंडो साइड से विज़िट किया था बालकोनी से मतलब जो अटैच्ड बालकोनी है उससे एंटर किया था वो यहाँ पर तो जैसे ही डोर पे नोक आता है डोर पे तो वेटर आया होता है ऑसे बलूस को किसी ना किसी तरीके से अपनी चतुराई से बोल देता है कि यहाँ पे पुलिस आई है मैंने पुलिस को रिपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए कॉल की थी अगर तू यहाँ से नहीं जाएगा तो पुलिस तेरे को मार देगी तू ऐसा कर बाहर वाली बालकोनी में बैठ कर बाहर विंडो से उतर जा और बालकोनी में बैठ कर मैं तेरे को बुलाता हूँ लेकिन जब डोर ओपन होता है वहाँ पर तो सिर्फ क्या आता है पुलिस वेटर आया होता है वहाँ पे कोई पुलिस नहीं होती और जो मैक्स है बड़ी फ्रस्ट्रेशन में बिना कुछ सोचे बिना कुछ नीचे देखे कि बालकोनी है या नहीं है बिना कुछ सोचे वो क्या करता है ऊपर से छलांग लगा देता है टॉप फ्लोर से और उसके बारे में कुछ नहीं पता कि पॉसिबल है कि उसकी डेथ हो चुकी होगी सो दिस वन वॉज द कंप्लीट समरी कि हाउ पॉसिबल यूज आउटविट टू डिफीट द मैक्स so this one was the complete summary uh, i request you all to subscribe my channel so that i can make more such videos for you with your support thank you all for watching